शासरिया काल दोस्तों एक बार फिर तो हाजिर हो चुके हैं जी तुहाडे लई बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके गल करांगे जी पंजाब दियां समय दियां सब तो वड्डियां ते अहम खबरां बारे। पर सब तो पहला चैनल स्टडी एंड जॉब अलर्ट्स देख रहे सारे ही श्रोतियां दा स्वागत करदियां। पहली वड्डी खबर दोस्तों अहम खबर इस दिन होणगी पंचायती चोणां। अगली वड्डी खबर दोस्तों लोकां वास्ते भगवंत मान दी नवीं स्कीम आटा दाल स्कीम दे नाल मिलणगियां होर 42 नवीं सेवावां, लोक होए खुश। तां दोस्तों इन्हां खबरां दा अलावा पंजाब दियां होर भी ताज़ा वड्डी खबरां ने तुहानूं सारे खबरां बारे वीडियो विच अगे पूरी जानकारी दमांगे। पर वीडियो शुरू करने तो पहला चैनल नू कर दो सबस्क्राइब ते नाल ते बेल आइकन नू प्रेस कर लियो क्योंकि तुहानू अपने चैनल ते इसी तरह पंजाब ते पंजाब स्कूलां बारे वड्डे तों वड्डी ताज़ा खबरां घर बैठे देखने लई मिलदी रहणगियां। शुरुआत कर लैने आ समय दी सब तो पहली ते वड्डी खबर तों। पहली वड्डी खबर है जी आटा दाल स्कीम दे नाल नाल 42 होर सेवावां भी मिलणगियां घर बैठे 27 नवंबर नूं होवेगी शुरुआत। जी हाँ प्यारे दर्शकों, उन्होंने कहा कि इस मंतवली फंडां दी कोई भी घाट नहीं है ते इस नेक कार्ज नूं नेपरे चाढ़न विच कोई भी कसर बाकी नहीं छड़ी जाएगी। भगवंत मान ने कहा कि इस खेत्र विच पंजाब दे कोल बेहद संभावनावां ने ते सूबे विच मेडिकल टूरिज्म नूं तरक्की देनी यकीनी बनाउण उत्ते जोर दिता जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि 26 जनवरी 2024 तो पंजाब दे सारे तहसील अते जिला पद्धर दे हस्पताल एक्सरे मशीन नाल लैस होणगे। उन्होंने कहा कि आगामी गणतंत्र दिवस तो यह सहूलत सारे हस्पतालों में मुहैया करवाई जाएगी। आते दोस्तों इन्हां मशीनां नूं चलाउण वास्ते ऑपरेटर भी तैनात किए जाणगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि डाक्टरां वल्लों लिखियां सारियां दवाइयां हुण हस्पतालां दे अंदर ही मिलिया करनगियां। अगली खबर वड्डी खबर है जी सीएम भगवंत मान ने 20 नवंबर नूं बुलाई पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग, ले जाणगे अहम फैसले। जी हाँ प्यारे दर्शकों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगवाई में 20 नवंबर को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। ये मीटिंग पंजाब सिविल सकत्रेत में सवेरे 11 बजे होगी। सूत्रों में मिली जानकारी मुताबिक मीटिंग में कई मुद्दों के अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में जिथे सर्द रुत सैशन बुलाने पर मोहर लग सकती है, दूजे पासे सदन में पेश करने वाले बिलों पर भी विचार चर्चा हो सकती है। अगली वड्डी ते अहम खबर दोस्तों कनेडा विच नर्सां ते इंजीनियरां दी भारी मंग, 50 लाख रुपए तक मिलेगी तनखा। जी हाँ प्यारे दर्शकों, हर नौजवान का सुपना होंदा कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करन तो बाद किसी वड्डी कंपनी में नौकरी करे। खास करके पंजाब दे नौजवानों विच विदेश जाण दा रुझान है, जिहे विच पंजाब दे नौजवान ना सिर्फ कनेडा विच पढ़दे हन सगो उत्थे अपनी मनपसंद नौकरियां दी तलाश विच भी रहिंदे ने। इस दौरान उह दुचित्ती विच रहिंदे ने कि कनेडा विच नौकरी किवें मिलेगी, किन्नी तनखाह होवेगी, किन्ने घंटे काम करना पवेगा, की पढ़ाई दे नाल नाल नौकरी भी कीती जा सकती है। अजिहे सारे सवालों दे जवाब असीं अज इस खबर राहीं दसांगे। तां जी हर साल पंजाब विचों वड्डी गिणती विच नौजवान उचेरी सिख्या लई कनेडा जांदे ने, फिर उत्थे जा के काम करना शुरू कर दिंदे ने। कनेडा की आबादी 3,70,00,000 है, इन्हां विचों 10,40,000 भारतीय मूल के लोग ने। कैनेडा के बहुत सारे खेतरां में सिर्फ उन्हों ही नौकरी में तरजीह दी जाती है जो कनेडा में अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। अजिहे में ज़्यादातर नौजवान 12वीं पास कर बैचलर डिग्री की पढ़ाई पूरी करने तो बाद कनेडा में किसी यूनीवर्सिटी में दाखला लेंदे ने, उन्होंने कनेडा में नौकरी लभण लई घट मेहनत करनी पैंदी है ते उत्थों दीआं कंपनियां भी उन्होंने पहल के आधार पर नियुक्ति दिंदियां ने। जेकर कनेडा बच्चे नौकरी की गल करिए सिविल इंजीनियरिंग नाल संबंधित नौकरियां सब तो वध प्रचलित हैं। कनेडा बच्चे काम करने वाले ज़्यादातर भारतीय इस प्रोफाइल नाल संबंधित हैं, उन्होंने शानदार तनखा पैकेज की पेशकश भी की जाती है। तो दोस्तों कनेडा के बेहतरीन नौकरी के वेरवा है दोस्तों वित्तीय विश्लेषक जिन्हों आप कहते हैं फाइनैंशियल एनालिस्टिक, रजिस्टर्ड नर्स, लेखा टैक्नीशियन, बुक कीपर, डेटा साइंस सलाहकार, मकैनिकल इंजीनियर, व्यापार विकास ते मार्केटिंग कार्यकारी। तो दोस्तों हुण गल करदे हां कनेडा विच नौकरी हासिल करन लई की करिए। तां जी सब तो पहला अपना पेशेवर सीवी बनाओ, कवर लैटर नूं भी बेहतर बनाउण ते ध्यान दिओ। कंपनी की नीति के अनुसार सीवी नूं अपग्रेड करो, हर थान इक्को सीवी ना भेजो, अपनी पिछली नौकरी तो दस्तावेज नत्थी करो, तनखा सबूत लई तनखा स्लिप नत्थी करो। इस तो अलावा दोस्तों दस दिए कि सिफारश के मानता पत्र नाल नौकरी प्राप्त करना आसान हो जाता है। हर देश वांग कनेडा विच भी नौकरी प्राप्त करने लई नैटवर्किंग बहुत जरूरी है।
अगली वड्डी खबर दोस्तों 3442 अध्यापक यूनियन नूं मिल गई वड्डी राहत। 10 सालां बाद हाई कोर्ट ने हक विच सुनाया वड्डा फैसला। सिक्ख्या विभाग के 3442 अध्यापकों नूं लैके पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने वड्डा फैसला सुनाया है। 3442 अध्यापकों नूं पहले 3 सालां लई तय तनखाह की बजाय सेवा नियमां तहत बनाया गया पे स्केल ही मिलेगा। तुहानू दस दिए कि 10 साल पहला जदों यह भर्ती कढ़ी गई सी तां उस समय जिहड़े नियमां तहत भर्ती होई सी उहनां नूं रद्द करता गया सी, जिसके खिलाफ ही मामला हाईकोर्ट पहुँचा सी। शुक्रवार को हाईकोर्ट में लए गए एक अहम फैसले 3442 अध्यापक यूनियन नूं यह राहत दिती गई है। अगली खबर वल वधदे हां दोस्तों, पंजाब सरकार विद्यार्थियों लई चुकन जा रही है ये अहम कदम। जी हाँ प्यारे दर्शकों, मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार घट गिनती वर्ग के विद्यार्थियों की भलाई लिए वचनबद्ध है। जानकारी देंदे समाजिक न्याय अधिकारिता ते घट गिनती मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने दस्सिया कि घट गिनती वर्गों के बच्चों को सिक्ख्या प्रदान करना सूबा सरकार की मुख तरजीह है। संबंधित विद्यार्थियों को पढ़ाई लिए मैरिट कमीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम अधीन चेरी सिक्ख्या ते प्रोफेसनल संस्थावां विच पढ़ रहे विद्यार्थियों नूं कोर्सां लिए वजीफा दिता जांदा है। उन्होंने दस्सिया कि स्कीम का मुख टीचा अति गरीब परिवारों के बच्चों नूं उचेरी सिक्ख्या पूरा करने लई सहायता दी जाती है। पंजाब सरकार वालों मैरिट कमीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम फॉर मनोरिटी स्कीम सिख मुस्लिम ईसाई पारसी ते जैन नाल संबंधित वर्ग नाल संबंधित विद्यार्थियों लिए कवर किए जाते हैं। इस स्कीम तहत ग्रैजुएट पोस्ट ग्रैजुएट ते प्रोफेसनल मैडिकल नर्सिंग फार्मेसी ते मैनेजमेंट आदि संस्था में पढ़ रहे विद्यार्थियों को कोर्सों लिए वजीफा दिता जाता है। अगली वड्डी खबर दोस्तों, चंडीगढ़ में आज तो 10 रुपए घूमो पूरा शहर। जी हाँ प्यारे दर्शकों, वीकेंड ते जनतक छुट्टी वाले दिन चंडीगढ़ में सैलानियों की वधदी गिनती के मद्देनज़र अज शटल बस सेवा शुरू कर दी गई है। जानकारी यह बस रोज़ गार्डन रॉक गार्डन के सुखना लेक झील लई रोज़ाना उपलब्ध होगी। शटल बस हर 5 मिनट बाद सवेरे 11 बजे तो रात 8 बजे तक चलेगी। तुहानू दस्सिए कि यह रोज़ गार्डन के सामने सैक्टर 9 सरकारी इमारत के पिछे रॉक गार्डन के सुखना लीक के कोल चलेगी। अगली वड्डी ते अहम खबर दोस्तों, कदे भी बच सकता है 5 नगर निगम दियां चोणां दा बिगल, अगले हफ्ते नोटिफिकेशन आउण दी संभावना। जी हाँ दर्शकों, पंजाब दे विच किसी भी समय 5 नगर निगम चोणां दा ऐलान हो सकता है। राज चोण कमीशन ने इस लई तैयारियां कर लईयां ने। इलैक्शन कमीशन अगले हफ्ते किसी भी समय लुधियाणा, जलंधर, अमृतसर, फगवाड़ा ते पटियाला नगर निगम चोणां लई नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। ये चोणां 3 दिसंबर नूं 5 राज्यां दीआं विधानसभा चोणां दे नतीजे ऐलाने जाण तों बाद ही होणगीआं। खास गल इह है कि पंजाब सरकार नगर निगम ते 39 नगर कौंसलां अते नगर पंचायतां दीआं चोणां इक्को समय करवाउण दे मूड विच नहीं है। तुहानूं दस्सीए कि चोणां 3 दिसंबर नूं 5 राज्यां दीआं विधानसभा चोणां दे नतीजे ऐलाने जाण तों बाद ही होणगीआं। खास गल इह है कि पंजाब सरकार नगर निगम ते 39 नगर कौंसलां ते नगर पंचायतां दीआं चोणां इक्को समय करवाउण दे मूड च नहीं है। इसलिए सरकार ने अपनी मंजूरी भी दे दी है। जानकारी अनुसार चोण कमीशन नगर निगम ते नगर कौंसल चोणां इक्को समय नहीं करवावेगा। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਨਾਲ 'ਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।